कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक ट्वीट कर मुंबई आतंकी हमले में घायल देविका रोटावन के साथ एक तस्वीर शेयर करते हुए लिखा है, 9 साल की उम्र में देविका रोटावन 26/11 के आतंकी हमले में घायल हुई, फिर देश को न्याय दिलवाने के लिए गवाह बनी। हाल ही में वो भारत जोड़ो यात्रा में भी शामिल हुई। राजस्थान की सरकार उनकी देशभक्ति को सम्मानित करते हुए उनके अपने घर के सपने को पूरा कर रही है। आप पर गर्व है देविका। गौरतलब है कि देविका रोटावन 26 नवंबर 2008 को मुंबई में हुए आतंकी हमले का शिकार हो गई थी। देविका ने बताया कि उस दिन कसाब ने उनके पैर में गोली मारी थी। घटना के कई साल बाद दिए गए एक इंटरव्यू में देविका ने कहा था कि उस हमले के बाद से मानो उनकी जिंदगी ठहर सी गई। आतंकियों के डर से पड़ोसी और रिश्तेदारों ने भी दूरी बनाना शुरू कर दिया। हमें रहने के लिए मकान तक नहीं मिल रहा था। वहीं देविका के पिता की माने तो मुंबई हमले के बाद उनकी बेटी से स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों ने भी दूरी बना ली थी। लोग उनसे बातचीत नहीं करते थे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।